एक टर्म है जिसको क्यू वैल्यू बोलते हैं, जिन्होंने PYQ किए होंगे अभी, जिन्होंने कोर्स खत्म कर लिया, और उसमें क्यू वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आपने बहुत देखने को मिले होंगे, CBSE में भी आते हैं और कंपटीशन के अंदर भी आते हैं। उस क्या इसमें करना क्या है, वो कह रहे हैं कि जब कोई रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं एक रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट्स का मास ले लो, ऐड कर लो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ जाएगी रिएक्टेंट्स की। फिर प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट के टोटल मास ले लो, जो भी प्रोडक्ट मिले उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की एनर्जी आ जाएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादातर ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी सिर्फ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो कहाँ गई, दो कहाँ गई, दो ऐसा हुआ जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे में ब्रेक होता है, तो उसमें से मान लो अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो ऐसा नहीं होता बड़ा न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूटा और वो वहीं रेस्ट पे पड़े थे, ऐसा नहीं होता। जब टूटता है बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह काम करता है, एक न्यूक्लियस इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, तो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। M1 V1 M2 V2 का प्रिंसिपल इसमें लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब वो मूव करते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो आपका एनर्जी का डिफरेंस आया वो किस फॉर्म में नजर आता है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि आपके पास टोटल शुरू में एनर्जी कितनी थी, 10, बाद में फाइनल कितनी हो गई, 8। दो कहाँ गई, दो कहीं नहीं गई, दो काइनेटिक के फॉर्म में नजर आएगी। तो इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो मान लो आपकी जो रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनको उनके मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी या UI, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी या UF। क्यू वैल्यू है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, इसे बोलते हैं क्यू वैल्यू। और ये जो डिफरेंस आएगा ये तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देगा रिएक्ट प्रोडक्ट्स में। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट पार्टिकल मूव कर रहा होगा, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ही है जिससे कि प्रोडक्ट पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। इसको यूज कैसे करना है आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे।